ये बोरी बाज़ार के आप बाहर की तरफ आएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल हैं, और मुझे यहाँ पे जो है माइयो वगैरह के स्टॉल भी नज़र आया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे है, और ये घोड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। अंकल आपकी शॉप के अंदर चलिए, चले आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अंदर लेकर आई हूँ। देखिए इनकी शॉप पे काफी सारी वैरायटी है। अंकल जो है बहुत ज्यादा बिजी हैं। ये बोरी बाज़ार के मैं अंदर की साइड पे आई हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी के जो है वो शॉल्स वगैरह हैं। अभी मैं इन लोग से प्राइसेस वगैरह भी पूछती हूँ। आप इधर आए तो यहाँ पे देखें बच्चों की भी काफ़ी वैरायटी के जो है कपड़े वगैरह भी हैं। काफ़ी बड़ा है ये बाज़ार। मैं आपको सिर्फ थोड़ी बहुत शॉप पे लेकर जा रही हूँ, और मैं आपको थोड़े बहुत सिर्फ इंस्टॉल पे विज़िट करवाऊँगी। आज ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। अंकल की शॉप ओपन हो गई है, यहाँ देखें काफ़ी सारी वैरायटी की जो है यहाँ पे शॉल्स वगैरह भी है। अंकल शॉल्स के प्राइस बता दें, ये वाली जो शॉल्स है इसके क्या प्राइस है? नॉर्मल है, गर्म नहीं है। अच्छा इसके क्या प्राइस है अंकल? हज़ार रुपये की है ये। अच्छा हज़ार है, ये 900 की है, 1000 की है, अच्छा ये 800 की है। और ये वाली लगी हुई है ये वाली 1300। अच्छा ये 1300 की शॉल है, 2000 और ये 900 की। सही। और ये वाली 1500 की है, ये 1300 की, 1500 की, 1300 की, और ऊपर वाली ये 1600, ये 1400, ये 1400। अच्छा आपकी शॉप का नाम क्या है अंकल? बिलाल दुपट्टा। बिलाल दुपट्टा, सही। और आपकी शॉप है किधर? एड्रेस वगैरह भी दे दीजिए। बोरी बाजार किधर? गली दुपट्टा गली में आपकी शॉप है। ये अंदर की तरफ आए तो वहाँ नीमको के बिल्कुल सामने। अच्छा सही। और टाइमिंग वगैरह क्या है आपकी शॉप की? 12 बजे से लेके रात के 10 बजे। और दुपट्टे वगैरह ये किस प्राइस के आपके पास? ये 350 का है, ये 350 का है प्लेन। अच्छा सही। बाकी वो एम्ब्रॉयडरी वाले है 1000 का है, 750 का है, 650। सही। चले आपसे बात करके अंकल अच्छा लगा, दाफिस। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। आज वीडियो मैं इतनी बड़ी नहीं बना सकती थी क्योंकि मुझे और वीडियो पे भी काम करना है, और दूसरा ये आज मैं बहुत जल्दी आई हूँ ताकि आराम से यहाँ पे वीडियो बना सकूँ, ताकि आपको मेरी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर समझ आए। अभी अगर मैं थोड़ा लेट आती यहाँ पर तो आपको पता है यहाँ पर कितना ट्रैफिक होता है, और उस शोर की वजह से आप लोग को शायद सही से वॉइस समझ नहीं आती, इसलिए मैं जल्दी आके यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसी लगी आज की वीडियो। अब मिलूँगी मैं आपसे दूसरी वीडियो में। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।